सभी को नमस्कार। कृषि भूमि के आंकड़े और उनका मानचित्रीकरण के बारे में अपने अध्ययन किया। आज हम आंकड़ों और मानचित्रीकरण का जो इतिहास रहा, कृषि भूमि उपयोग सर्वेक्षण का इतिहास, किस प्रकार से यह कार्य विश्व भर में फैला, इसके द्वारा विभिन्न योजनाएं विभिन्न माध्यमों से संपन्न हुई और इसका लाभ भी विभिन्न देशों ने इसके माध्यम से उठाया। इसलिए किसी भी प्रदेश क्षेत्र में कृषि भूमि उपयोग सर्वेक्षण महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। किस प्रकार से हम भूमि का उपयोग करें, किस प्रकार से वहाँ फसलों का उत्पादन करें, कितनी सिंचाई की वहाँ आवश्यकता है, इस आधार पर कृषि भूमि उपयोग सर्वेक्षण का जो इतिहास है वो महत्वपूर्ण रहा। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य हुए और इन कार्यों में हम डडले स्टैम्प का जो कार्य है वो महत्वपूर्ण मानते हैं और इसी के आधार पर हम भूमि उपयोग सर्वेक्षण का जो जनक मानते हैं वो प्रोफेसर डडले स्टैम्प को मानते हैं। उन्होंने, चूंकि डडले स्टैम्प ब्रिटेन से संबंध रखते थे और ब्रिटेन से संबंध रखने के कारण 1930 में भूमि उपयोग सर्वेक्षण की इन्होंने योजना का प्रारूप तैयार किया और साथ ही साथ ब्रिटेन के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी उच्च कक्षाओं में इस सर्वेक्षण को लागू करने में डडले स्टैम्प का महत्वपूर्ण रोल रहा, भूमिका रही। और उसके बाद ब्रिटेन की उच्च कक्षाओं में भूमि उपयोग सर्वेक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम को निर्धारित किया और इस पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में डडले स्टैम्प का महत्वपूर्ण रोल था। क्योंकि उच्च कक्षाओं में इस सर्वेक्षण को लागू कर दिया था तो इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को यह सर्वेक्षण करना अनिवार्य कर दिया गया, ताकि ब्रिटेन में भूमि से संबंधित जो सर्वेक्षण कार्य है वो विद्यार्थियों के माध्यम से हो सके। क्योंकि यहाँ हर छात्र इस सर्वेक्षण में अपनी भूमिका निभाता है और 1939 में विभिन्न विश्वविद्यालयों की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के माध्यम से ब्रिटेन में विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया गया इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर, और भूमि के सही उपयोग का एक पथ प्रदर्शक भी ये रिपोर्ट बनी। क्योंकि आगे इस जो रिपोर्ट थी, ये जो रिपोर्टें थी, इन रिपोर्टों के आधार पर अनेक देशों ने इस पद्धति को काम में लिया, उपयोग में लिया। क्योंकि भूमि सर्वेक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण रिपोर्ट इनके माध्यम से इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन डडले स्टैम्प का जो ये कार्य था, इस कार्य को विश्व स्तर पर लागू करने का जो श्रेय जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ को जाता है, जिन्होंने एक आयोग गठित किया और इस आयोग ने बड़ी मापनी पर कई देशों के भूमि उपयोग सर्वेक्षण के जो मानचित्र हैं वो
इस आयोग द्वारा बनाए गए। तो इस प्रकार पूरे विश्व में भूमि उपयोग सर्वेक्षण का कार्य होने लगा, जिसके फलस्वरूप विभिन्न योजनाएं बनने लगी, भावी योजनाएं बनने लगी, जिनका आधार कृषि भूमि उपयोग सर्वेक्षण था। हम सर्वेक्षण की बात करते हैं तो कृषि भूमि उपयोग सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, इनके सिद्धांत क्या हैं, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं जिनके आधार पर हम योजनाओं का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे सर्वेक्षण के माध्यम से क्षेत्र के भौतिक एवं सामाजिक संसाधनों का सम्यक मूल्यांकन करना, जिससे भूमि उपयोग स्वरूप प्रभावित होता है। यानी हम जिस क्षेत्र में कृषि भूमि उपयोग सर्वेक्षण कर रहे हैं उसमें जो भौतिक संसाधन मौजूद हैं, सामाजिक संसाधन हैं, उन सभी का अपने को अध्ययन करना है, और साथ ही उस अध्ययन के माध्यम से हम ये निर्धारित करेंगे कि कौन से कारक भूमि उपयोग स्वरूप को प्रभावित कर रहे हैं, उसी के अनुसार हम कृषि के कार्य संपन्न करेंगे। दूसरा, भूमि उपयोग स्वरूप के सामाजिक एवं क्षेत्रीय अंतर को सामने लाना। सर्वेक्षण का जो रोल होगा, भूमि उपयोग का जो स्वरूप है, किस प्रकार से हम भूमि को उपयोग में ला रहे हैं, कितनी भूमि को कृषि के अंतर्गत हम शामिल कर रहे हैं, कितनी को हम बरानी छोड़ रहे हैं, इस आधार पर सामाजिक और जो क्षेत्रीय अंतर अपने को दिखाई देता है सर्वेक्षण के माध्यम से, वो हमारे सामने आता है। अकृषि योग्य भूमि को कृषि योग्य बनाना, आज भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, कृषि के अलावा अन्य क्षेत्र भी वहाँ मौजूद होते हैं, उन क्षेत्रों को हम कृषि अयोग्य भूमि मानते हैं। तो उस कृषि अयोग्य भूमि को हम किस प्रकार से कृषि योग्य बना सकते हैं, यह काम हम सर्वेक्षण के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। फिर अगला, इससे भूमि संसाधन उपयोग की अवस्था, क्षमता तथा अनुकूलतम उपयोग को निर्धारित हम करेंगे, क्योंकि सर्वेक्षण के माध्यम से हमारे को उस क्षेत्र के जो आंकड़े हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। तो हम वहाँ की भूमि की जो अवस्था है, क्षमता है, किस प्रकार से वहाँ अपन उत्पादन कर रहे हैं, उसकी अवस्था क्या है, उपजाऊपन उस भूमि में कितना मौजूद है, किस प्रकार से हम वहाँ उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वहाँ हम अधिकतम जो उत्पादन है वो किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, तो ये योजना भी हम इसके द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। अगला है, फसल भूमि के उपयोग के मूल्य, लाभ तथा मांग के आधार पर लाभकारी सामंजस्य तथा परिवर्तन संबंधी सुझाव देना। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर हम कृषि उत्पादन की बात करते हैं तो वहां कृषि उत्पादन के माध्यम से हमें कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, उस लाभ को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार की फसल का उत्पादन उस क्षेत्र में करें ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। फिर अगला, अनुकूलतम व बहु भूमि उपयोग की विवेचना करना। उस क्षेत्र में जो कृषि भूमि मौजूद है उसके उपयोग की अनुकूलतम जो दशा है तथा बहुभूमिय जो उपयोग हो रहा है क्षेत्र में, उसकी हम विवेचना करेंगे और
उस विवेचना के आधार पर वहां हम एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे योजनाओं के माध्यम से। तो इस प्रकार विभिन्न उद्देश्य इस सर्वेक्षण के हो सकते हैं और इन उद्देश्यों के माध्यम से हम उचित दिशा निर्देश कृषक को दे सकते हैं, उस क्षेत्र को दे सकते हैं, ताकि कृषि भूमि उपयोग का अधिकतम और अनुकूलतम वो उपयोग कर सके। अब हम कृषि भूमि उपयोग सर्वेक्षण की जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनके बारे में अगर बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभिन्न देशों में विभिन्न सर्वेक्षण के माध्यम से योजनाएं व क्रियाओं का निर्धारण किया। क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 1939 में डडले स्टैम्प ने भूमि सर्वेक्षण का कार्य ब्रिटेन में उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के माध्यम से कराया और जब द्वितीय विश्व युद्ध का खत्म होता है उसके बाद में विभिन्न देश इस सर्वेक्षण को अपनाते हैं और इन सर्वेक्षणों के माध्यम से विभिन्न योजनाएं उस प्रदेश और देश के लिए अपनाते हैं और योजनाओं का निर्धारण करते हैं। भूमि क्षमता के आधार पर भूमि संरक्षण तथा उपयोग की योजना बनाई जाती है, यानी भूमि की क्षमता कितनी है, कितना उत्पादन हम वहां प्राप्त कर सकते हैं, एक फसल का उत्पादन करेंगे या दो फसल का उत्पादन करेंगे, तो भूमि क्षमता का निर्धारण करेंगे, उसका भूमि का संरक्षण का कार्य हम करेंगे और उनके माध्यम से योजना बनाने का कार्य भी हम करेंगे। कृषि विभाग योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न प्रशासकीय इकाइयों में विभाजित किया जाता है, क्योंकि एक क्षेत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो इसलिए सरकार अनेक प्रदेशों का निर्धारण करती है, प्रशासनिक इकाइयों का निर्धारण करती है। जैसे हम भारत की बात करते हैं, जिला स्तर पर भू प्रबंध अधिकारी होता है, उसके नीचे तहसील स्तर पर आपको तहसीलदार, पटवारी, ग्राम सेवक, गिरदावर, तो निम्न स्तर पर गिरदावर अपने क्षेत्र की रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत करता है, क्योंकि पूरे साल भर की रिपोर्ट वो जिला स्तर पर उपलब्ध कराता है और जिला स्तर अपने माध्यम से वो राज्य सरकार को प्रेषित करता है। तो उसमें पूरे साल भर जो रबी और खरीफ की फसल का उत्पादन करते हैं, अन्य फसलों का जो हम उत्पादन करते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड वो अपने क्षेत्र में संकलित करता है और उस पूरे संकलित आंकड़ों को वो जिला स्तर पर भेजता है और फिर वो ऊपर भेज दिया जाता है, राज्य की राजधानी में भेज दिया जाता है और वहाँ पर एक प्रदेश के आंकड़ों को संकलित कर उनको उनके माध्यम से विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। क्योंकि भारत के जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों में भी भूगोल विषय में सर्वेक्षण का कार्य विद्यार्थियों के माध्यम से कराया जाता है और वो विद्यार्थी इस सर्वेक्षण के माध्यम से सर्वेक्षित क्षेत्र के किसानों को भूमि उपयोग से संबंधित जो आंकड़े हैं वो उनके सामने रखते हैं, समस्याओं का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि भूगोल का विद्यार्थी वहाँ की मिट्टी, वहाँ का धरातल और वहाँ की जलवायु से संबंधित अच्छा ज्ञाता होता है, तो इस कारण भूगोल का विद्यार्थी इस सर्वेक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी आधार पर भावी कृषि का जो योजनाएं होती हैं वो निर्धारित की जाती हैं। भूमि उपयोग का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण भूमि की किस्म, उसकी विशेषता, उसके गुण दोष के आधार पर किसी भी क्षेत्र का जो भूमि का जो वर्गीकरण है वो हम आसानी से कर सकते हैं।
किस प्रकार की भूमि वहां पाई जाती है, मिट्टी की क्या विशेषता होती है, उस क्षेत्र की भूमि में क्या गुण है, लवणता की मात्रा ज्यादा है, क्षारीयता की मात्रा ज्यादा है, भूमिगत जल जिनके माध्यम से हम सिंचाई कर रहे हैं या सतही जल उसमें क्या गुण है, क्या दोष है, उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं और उसी आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन भूमि को मुख्य रूप से जब हम वर्गीकृत करते हैं तो उसमें वहाँ की जलवायु, वहाँ का धरातलीय स्वरूप और उस क्षेत्र की जो मिट्टी वहाँ मिलती है उसके आधार पर हम भूमि उपयोग सर्वेक्षण का कार्य के आधार पर उस क्षेत्र की भूमि का वर्गीकरण कर सकते हैं। और इस भूमि वर्गीकरण के आधार पर हम किसी प्रदेश या किसी देश की भावी विकास योजनाएं होती हैं उनको हम तैयार कर सकते हैं। और ये सर्वेक्षण किसी भी देश, किसी भी प्रदेश, किसी भी क्षेत्र के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थैंक यू।